लक्ष्मण भगवान। लक्ष्मण क्या बने? राम। क्या कैसे? जय हिंद। मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रे लाइन न्यूज़। जैसा कि अभी आपको पता है कि रामनवमी का जो है आज आखिरी दिन है और सामने में एक आपको जो है रावण का प्रतिमा जलता हुआ आपको साफ नज़र आ रहा होगा। हालांकि ये अगर हम बात करें तो मिराल प्रखंड के ये तीन पंचायत सामने में दिखाइएगा विकास जी, तीन पंचायत चामा पंचायत, दुदुलवा पंचायत और तेसे टुटका पंचायत का जो है ये केंद्र है पेस्का ऑफिस पर जो है रामनवमी का जो आखिरी दिन होता है जिसमें जो है सत्य पर सत्य का विजय का एक प्रतीक है और यहाँ पर जो है रावण का जो पुतला होता है उसका दहन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं। आप ये साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस हिसाब से इनकी यहाँ पर जनसंख्या उमड़ी हुई है और ये सारे लोग जो है ये रावण की प्रतिमा का आप देख पा रहे होंगे जो है चारों साइड से उनका जो है रावण का जो प्रतिमा का जो पुतला का जो दहन किया जा रहा है, जो जलाया जा रहा है, चारों साइड से उनका जो है तकरीबन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अपने आप एक बहुत अद्भुत एक नज़ारा है और ये प्रत्येक साल इस मिराल प्रखंड के ये क्षेत्र में प्रत्येक साल मनाया जाता है और ये जो है काफ़ी अद्भुत ये नज़ारा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिराल थाना के सारे पदाधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो आप साफ तौर पर भी देख पा रहे होंगे और इनकी मौजूदगी में जो यहाँ पर ये पुतला दहन जो है रावण का पुतला दहन किया गया था। अब हम बता दें कि रावण जो है एक अहंकारी राजा था और ये जो है प्रतिमा का जो चारों साइड से आप देख पा रहे होंगे जो परिक्रमण कर रहे हैं उनका अंतिम जो है दर्शन करने में लगे हुए हैं। पुतला दहन का जो है लास्ट स्टेज जो है समाप्त होने जा रहा है जो साफ तौर पर देख पा रहे हैं और ये अगर देखा जाए तो एक अद्भुत एक नज़ारा है। ये पूरा जिला का अगर गढ़वा जिला की बात करें तो ये पूरा अद्भुत एक नज़ारा है। गढ़वा जिला में एकमात्र ऐसा मिराल प्रखंड का ये पेस्का ऑफिस पर ऐसी प्रतिमा का जो है दहन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोगों काफ़ी लोग मौजूद हैं, मिराल थाना प्रभारी दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जनसंख्या जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है किसी टाइप से जो है उसमें कोई किसी टाइप का दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा हम आप वो जो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और काफ़ी प्रतिनिधि लोग हैं ये मौजूद है। इसमें जो है प्रतिमा जो है बनाया गया है साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो प्रतिमा जो है प्रतिमा जो बनाया हुआ है और ये किस समय से रामनवमी का जो जुलूस निकलता है जुलूस के दौरान ये सारे लोग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जिसमें जो है राम लक्ष्मण हनुमान का काफ़ी लोगों का जो है उनका भेष में लोग आपको नज़र आ रहे होंगे और ये तस्वीर काफ़ी आपको खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। ये जो है प्रत्येक साल अगर देखा जाए तो काफ़ी वर्षों से मिराल प्रखंड के ये तीनों पंचायत के बीच ये मनाया जा रहा है। क्या बने हैं आप? क्या बने हैं? शंकर भगवान। शंकर क्या बने? लक्ष्मण भगवान। लक्ष्मण क्या बने? राम। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? प्रत्येक साल बनेंगे आप ही? अच्छा लग रहा है। क्यों क्यों राम क्यों बने? इस पर क्या प्रतीत क्या देना चाहते हैं? राम नाम शब्द के क्या प्रतीत आप देना चाहते हैं? राम नाम में बहुत शब्द है, राम नाम लेने से ही सब है। क्या लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी क्या कुछ कहेंगे? राम का भाई बने हुए हैं और जो अभी है प्रतीत हुआ है अभी जो दहन किए हैं रावण का क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ? मैं यहाँ तक जानता हूँ श्री राम, श्री राम सबसे महान जो रामनवमी पर्व है ये सबसे महान है क्योंकि तो श्री राम जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसीलिए सौभाग्य से हम कहते हैं हम हिंदू हैं।